ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्लास सिक्स का कंप्यूटर हम लोग डिस्कस करते हैं। जो पिछले प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम लोग को क्या आगे पढ़ के रखना है, आज हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले हम लोगों ने हार्डवेयर के बारे में डिस्कस किया था कि हार्डवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। लगभग फोर टाइप्स मैंने आपको बताया था, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। आज हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं और उससे उसका आउटपुट लेते हैं, प्रोसेसिंग के देन प्रोसेस्ड। ठीक है, आफ्टर प्रोसेसिंग हम उससे रिजल्ट लेते हैं, वो होता है मेरा सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्लियर हुआ? एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, मीन्स की इनपुट करते हैं और फिर क्या करते हैं, उससे प्रोसेसिंग होने के बाद वो हमें रिजल्ट देता है, वो होता है मेरा सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, ऐसे समझ सकते हैं कि उसको टच नहीं कर सकते। अब बोलेंगे सर मोबाइल को तो टच करते हैं। ठीक है, मोबाइल को टच करते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को टच नहीं करते, क्योंकि वो स्क्रीन जो होता है वो टच होता है, जिसको हम लोग क्लिक करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं। क्लियर, तो हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं। इसका डिफिनेशन है ए सेट ऑफ प्रोग्राम यूज टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। A set of program used to solve a specific अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप उसको देख लेना खुद से। ठीक है, a set of program used to solve a specific problem is called software। ओके, इसको आप राइट डाउन करते चलेंगे। देयर आर टू टाइप मीन्स फर्स्ट एक हो जाएगा आपका एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसको राइट डाउन कर लेना। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि एक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम पहले क्लीन करते हैं, फिर इसके चार्ट के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हमने अभी बताया आपको कि सॉफ्टवेयर जो है वो टू टाइप्स का है, तो हमको कैसे समझ में आएगा, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, या कौन सा सॉफ्टवेयर मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा और कौन सा आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो एक चार्ट बनाते हैं या ग्राफ करते हैं उसको, इसके थ्रू मैं इसको बनाता हूं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, अब इसके अंडर क्या क्या या कौन कौन सॉफ्टवेयर को हम लोग बोल सकते हैं जो हम लोग जनरली जनरल लाइफ में यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा जो आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एमएस वर्ड, एमएस
एक्सेल, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंटिंग, ठीक है। और आप लोग एक और जानते हैं जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, वर्ड पर। क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके अंडर कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आ सकता है। सबसे फर्स्ट इसके अंदर आप लिख सकते हैं ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। सेकेंड है डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर। और थर्ड है यूटिलिटीज, यूटिलिटीज प्रोग्राम। क्लियर। अब देखो इस ऑपरेटिंग सिस्टम विद टू एंड थ्री टाइप्स के बोल सकते हैं, जो हम लोग कॉमन बहुत लोग जानते होंगे। इसका भी टू और थ्री नेम मैं आपको बता दे रहा हूं। एमएस डॉस एक आप जो जनरल यूज करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बताइए। एमएस डॉस, एमएस विंडो, और यूनिक्स या लिनक्स, ठीक है। डॉस का मैं फुल फॉर्म आपको लिख देता हूं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर। अब देखिए सॉफ्टवेयर कितने टाइप का हो गए, टू टाइप्स, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे एमएस वर्ड हम लोग यूज करते हैं, एमएस एक्सेल यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं, एमएस वर्ड या वर्ड पैड, ठीक है। ये सभी जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। नहीं, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, ये हो गया मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर। थोड़ा सा मैंने देखा नहीं ऊपर सिस्टम कहाँ लिखा, ठीक है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पेंट और वर्डपैड। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटीज प्रोग्राम। यूटिलिटीज प्रोग्राम होता है जो प्रोग्राम कंप्यूटर को सपोर्ट करता है, या उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, सपोर्ट करता है वर्क करने के लिए। क्लियर। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये दो तीन सॉफ्टवेयर आ गया आपका, जो नेम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जनरल यूज करते हैं, एमएस डॉस, एमएस विंडो, यूनिक्स और लिनक्स। एमएस डॉस का फुल फॉर्म मैंने बताया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इसको ठीक कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ये टाइप है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो क्या करेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिफाइन करेंगे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिफाइन करेंगे, और फिर उसके एक टॉपिक के बारे में जानेंगे, ठीक है। तब तक लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसको आप लोग क्या करेंगे, राइट डाउन करते चलेंगे। क्लियर।